गरियाबंद में भी भाजपा नेताओं द्वारा प्रदेश में हो रहे गौठान के नाम पर भ्रष्टाचार को उजागर करने चलबो गौठान खोलबो पोल का नारा देते हुए आज फिंगेश्वर विकास खंड के ग्राम पंचायत सड़कड़ा के आश्रित ग्राम बिडोरा में निरीक्षण करने पहुंचे। मौके पर गौठान के नाम पर लाखों राशि का दुरुपयोग, गौठान समिति का गठन विधिवत न करने, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया। उपस्थित ग्रामीणों ने ग्रामों के गौठानों में समुचित रखरखाव न करके राशि का पूरी तरह से भ्रष्टाचार करने पर भूपेश बघेल सरकार लिप्त होना बताया। वहीं वर्मी कंपोस्ट के नाम पर 10 रुपए किलो में किसानों को घटिया स्तर का मिट्टी युक्त खाद जबरदस्ती खरीदने का आरोप लगाया। उपस्थित महिलाओं ने कार्य का मेहनताना न देने की बात भी कही। पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल द्वारा अब गौठान के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप भाजपाइयों ने लगाया। चलबो गौठान खोलबो पोल के तहत आज हम लोग सरकड़ा बिरोड़ा के गौठान के निरीक्षण के लिए आए थे, पर यहाँ आने पर तो गौठान का और छोर भी नहीं दिख रहा है। गौठान कहाँ से शुरू है, कहाँ पर ख़त्म है, ना ही कोई नाम पट्टिका लगी हुई है। पशुओं के लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं है, और आप स्वयं देख सकते हैं कि बोर सूखा पड़ा हुआ है। वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, पंप नहीं है। ये जो अव्यवस्था है ये बताती है कि कांग्रेस सरकार कितनी बुरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और जो बिहार में आपने सुना होगा बहुत समय पहले कि करोड़ों का एक चारा घोटाला हुआ था, उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार है, उससे भी बड़ा चारा घोटाला है। गौठान के नाम पर जो करोड़ों पैसे निकाले गए, जब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया विधानसभा में कि गौठान के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है, तो उन्होंने कहा कि 1300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। उनसे पूछा गया कि वर्मी कंपोस्ट के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है, तो 233 करोड़। लेकिन यहाँ पे हमारी बहनें उपस्थित हैं, जब मैंने उनसे जानना चाहा कि आपको वर्मी कंपोस्ट का काम मिला हुआ है क्या, तो उनका कहना है कि कोई समूह यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का काम नहीं कर रहा है। आप स्वयं देख सकते हैं कि खाद के नाम पर यहाँ पर मिट्टी पत्थर रेत को डाल दिया गया है, कहीं कोई गोबर खरीदी नहीं है। 1300 करोड़ की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, इस गौठान में यदि 19 लाख रुपए प्रति गौठान के रूप में दिया गया था प्रति गौठान के निर्माण के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 लाख का भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। पूरा पैसा कहाँ चला गया? हम सब ये जानना चाहते हैं कि इतना जो भ्रष्टाचार हुआ है, आपने जनता के पैसे को लूटा है, जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी आज गौठान का पोल खोलने सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गौठान पर जा रहे हैं, और यह आश्चर्य की बात ही नहीं है, बहुत ही घोर आपत्तिजनक और कहना चाहिए कि जो मूक जानवर है गौ माता जिसे हम कहते हैं, उनके नाम पर भी ये सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार करके एक गोबर घोटाला की ओर जा रही है। और ये गोबर घोटाला ऐसा है जहाँ पर केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी की जो पैसा है, उस पैसे का दबाव पूर्वक पंचायतों को मजबूर करके, उस पैसे का दुरुपयोग करके, फिर उसे 2 रुपये में गोबर खरीद के उसे उसी किसान को 10 रुपये किलो में बेच करके ये जो भ्रष्टाचार 8 रुपये का कर रही है। चलिए यदि सरकार राज्य सरकार का अंशदान कुछ भी होता तो भी लगता कि चलिए इन्हें लाभ हानि का दृष्टिकोण है, लेकिन यहाँ पर तो भ्रष्टाचार का दृष्टिकोण है। भ्रष्टाचार को लेकर ही ये सरकार जो है अपना मिशन चला रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से बिहार का चारा घोटाला, लालू प्रसाद जी का जो चारा घोटाला था, उससे कई गुना बढ़ करके छत्तीसगढ़ का गोबर घोटाला आने वाले समय में सबके समक्ष आएगा। चलबो गौठान खोलबो पोल, ये हमारा ऐसा नारा है जो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने जानबूझ के किसानों और आम जनता को परेशान करने के लिए और यहाँ जो भ्रष्टाचार करने के लिए और अपने मातहतों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना चलाई हुई है। गौठान एक तरफ गौधन न्याय योजना की बात करती है, यहाँ ना गौधन है ना गोबर के यहाँ पर खाद की कोई निर्माण हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का जो वर्मी का होता है ना वर्मी है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर ना वर्मी का खाद का निर्माण हो रहा है। और गौधन न्याय योजना में जो भी राशि है वह ये भ्रष्टाचार करके आपस में बंदर बांट कर रही है। महीने का 10,000 रुपये गौठान के रखरखाव के लिए आता है, यहाँ रखरखाव नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई गौ है। 300 गौ रखने की बात करते हैं, यहाँ पर तो 3 गौ भी नहीं है, पूरा खुला है, ना पानी की सुविधा है। और जो वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, वो वर्मी कंपोस्ट अगर ये किसानों को देंगे जिसमें पूरा मिट्टी मिला हुआ है तो क्या उपजाऊ होगा, किसानों के साथ पूरी तरह से अन्याय योजना है। गरियाबंद जिला ब्यूरो, जितेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट।